नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। एक तरफ नंबर वन टीम, दूसरी तरफ आठवें नंबर की टीम, वो भी दोयम दर्जे की। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों खेली गई पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज की। पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले तक अपने पिछले 33 में से 29 T20 मैचों में जीत दर्ज की थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में सुपड़ा साफ होना पाक क्रिकेट टीम को काफी महंगा पड़ता दिख रहा है। दरअसल श्रीलंका ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में 3-0 की शिकस्त दी थी। पाकिस्तान की यह हार इसलिए भी बेहद शर्मनाक है क्योंकि श्रीलंकाई टीम अपने दोयम दर्जे के खिलाड़ियों के साथ इस दौरे पर पहुंची थी। बावजूद इसके पाकिस्तान की मजबूत टीम को इस करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। श्रीलंकाई टीम पर साल 2009 में हुए आतंकी हमले के बाद से पहली बार श्रीलंका की टीम पाकिस्तान दौरे पर आई है, जिसमें उसके मुख्य खिलाड़ियों की बजाय दोयम दर्जे के खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन इस टीम के सामने भी पाक खिलाड़ी पस्त हो गए। अगर इस टीम की ICC रैंकिंग की बात करें तो ये टीम आठवें नंबर पर है। इस टीम से हारने के बाद पाक टीम को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, T20 रैंकिंग में आठवें नंबर की टीम के हाथों क्लीन स्वीप होने के बाद पाकिस्तान में सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा हुआ है। जहां सड़क पर पाकिस्तान क्रिकेट प्रेमी कप्तान सरफराज अहमद के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, वहीं संसद में भी ये मुद्दा गूंजने लगा है। खिलाड़ियों से लेकर टीम के नए हेड कोच और मुख्य चयनकर्ता की दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे पूर्व क्रिकेटर मिसबाउल हक भी आलोचकों के निशाने पर हैं। अब ये खबर भी सामने आ रही है कि श्रीलंका के खिलाफ घटिया प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने की मांग की गई है। सरफराज अहमद की कप्तानी छीनने का ये प्रस्ताव मुस्लिम लीग नवाज के विधायक मलिक इकबाल जहीर ने पेश किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पंजाब विधानसभा श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान के सफाए पर गहरे अफसोस और गुस्से का इजहार करती है। इसमें कहा गया है कि T20 की नंबर वन टीम पाकिस्तान अपने से कहीं कम रैंकिंग वाली टीम से हार गई। इस शिकस्त के कारण पाकिस्तानी कौम में गम और गुस्सा है। प्रस्ताव में मांग की गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख श्रीलंका के हाथों मिली इस एक तरफा हार की जांच कराएं, साथ ही इसके बाद अब सरफराज को क्रिकेट टीम के कप्तान पद से तुरंत हटाया जाए। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेचारी पाकिस्तानी टीम की उसके ही घर में क्या हालत हो चुकी है। पहले तो वर्ल्ड कप में भारत के हाथों हारने के बाद और अब श्रीलंका के हाथों हारने के बाद पाकिस्तानी टीम का उसके घर में भी जीना मुहाल हो चुका है।